हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएन सॉल्यूशन। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्विक शिफ्टर के बारे में। क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है, कितने आरपीएम पर काम करता है और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसका जो एंगल है वो कैसे सेट करते हैं। तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ। सबसे पहले आपको एंगल सेट करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगी और एंड्रॉयड फ़ोन की। आईओएस में तो जो एप्लीकेशन है वो इनबिल्ट होती है, एंड्रॉयड के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो उसका भी मैं लिंक इसमें शेयर कर रहा हूँ आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो इसका एंगल है गाइस, वो 21 प्लस माइनस 2 रखना होता है, मतलब 19 से 23 के बीच में रखना होता है। तो हम ज़्यादातर उसको 21-22 पे ही सेट करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है गाड़ी में कि गाड़ी चक्का मारती है, जर्किंग करती है गाड़ी, तो कस्टमर लगता है गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो आपको गाइस पहले इसको डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ये लिंक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आईओएस से ट्राई करेंगे कि इसका जो एंगल है वो कितना आ रहा है और उसको कितना सेट करना है हमें, राइट। तो ये 19 आ रहा है, तो उसको हमने 21 पे सेट करना है। गाइस अभी हम इसको सेट करेंगे, जैसा कि ऊपर वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखो आपको मैं कौन सा नट लूज़ करना है, आगे वीडियो भी मैंने अटैच कर दी है इसमें। तो ऐसे हम लूज़ करेंगे इसको, टाइट करेंगे, ऐसे इसका एंगल चेंज होगा। गाइस आपको 10 नंबर की चाबी लेनी पड़ेगी और ये वाला जो नट है इसको लूज़ करना पड़ेगा इसको, और जो इसके बिल्कुल राइट में है वो वाला बोल्ट, एक ही डायरेक्शन में दोनों लूज़ होंगे। एंड सेंटर वाले बोल्ट से हमें इसको टाइट करना है, लूज़ करना है। सेंटर वाले बोल्ट से ही इसका एंगल सेट होगा, अप डाउन होगा। आप वीडियो में देखना, जैसे मैं इसको लूज़ करूँगा या टाइट करूँगा तो उसका एंगल चेंज होगा। तो इसका एंगल हमें कितना रखना है वो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। तो ऐसे हम क्विक शिफ्टर की सेटिंग करते हैं, ऐसे इसका एंगल सेट करते हैं। तो एक हम एंड्रॉयड फ़ोन से भी ट्राई कर लेते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे एंगल सेट हो रहा है। तो वीडियो में बने रहें। सो एंड्रॉयड का भी चेक कर लेते हैं, अभी इसमें 18-19 के आसपास आ रहा है, मतलब एंगल इसका सही नहीं है। तो अभी इसको इस फ़ोन से भी सही करते हैं। तो एंड्रॉयड से हम एक बार चेक करते हैं इसको। सेम प्रोसीजर है गाइस, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो उसके बाद एंगल आपका सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।